यूपीएससी की जर्नी ऐसी है जो सबको पता है कि बहुत डिफिकल्ट होती है, वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, वो आपका सेकंड अटेम्प्ट हो, या वो आपका किसी भी नंबर का अटेम्प्ट हो, तो वो स्टार्टिंग से ही डिफिकल्ट है बिकॉज बहुत रिगरस प्रिपरेशन है। पहली बात तो एग्जाम पूरा साइकिल ही 16 मंथ्स का, 14 मंथ्स का साइकिल है। लिखते लिखते हमारे हाथों में दर्द हो जाता है एंड वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट एंड टेंशन मत लेना यार, लिखते लिखते हाथ दर्द हो जाता है बट ये भी गुजर जाएगा। अगर आपसे नॉलेज टेस्ट कर रहा है लेकिन वो वर्टिकल नहीं जा रहा है, वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, आपको बहुत ज्यादा। हेलो एस्पायरेंट्स, अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, यू आर वन ऑफ दोस बिगिनर्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 पॉइंट एजेंडा फॉर द बिगिनर्स। बिगिनर्स कौन होते हैं? जो शुरू करने वाले हैं, या मेरे ख्याल में बिगिनर वो सभी लोग होते हैं जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। नहीं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बिगिनर्स जो बिल्कुल शुरू शुरू में सोचते हैं कि आईएएस एग्ज़ाम दिया जाए। आपको मैं एक चेकलिस्ट देता हूँ, इसकी टिक बॉक्सिंग करनी है और इसके सहारे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। देर आर 10 पॉइंट्स फॉर बिगिनर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी इकट्ठा करें कि ये जॉब कौन सी है। यू शुड नो द जॉब। इनफैक्ट इट्स नॉट अ जॉब, देयर आर सो मेनी सर्विसेज दैट यू हैव गॉट। आपको ये पता लग जाए कि कौन कौन से सर्विसेज हैं इसमें, क्या वो आपको एक्साइट करती हैं, क्या आप वो चीज़ें आपके मतलब की हैं, या आपने सिर्फ थोड़ी सी वीडियो देख लिए, किसी के इंटरव्यू सुन लिए, या किसी व्यक्ति ने आपको बताया कि आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, आप तो आईएएस बन सकते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट, यू शुड रिसर्च ए बिट अबाउट द जॉब्स दैट दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू ऑफर फॉर यू। अब अपने ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द जॉब फॉर विच यू आर गोइंग टू डेडिकेट योर सेल्फ सो मच, एंड दैट इज़ वन थिंग विच आई वुड लाइक यू टू कीप इन माइंड। द सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू बी प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, कि एम आई रेडी टू कीव प्राइस फॉर इट और नॉट, क्या मैं उसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, एम आई रेडी टू पे फॉर इट, बिकॉज कुछ भी आपको बिना पेमेंट के तो मिलता नहीं है वैसे भी। तो यू शुड बी आस्किंग योर सेल्फ दैट आई वुड बी पेइंग द प्राइसेस। द प्राइसेस कुड बी अ वेरियस फॉर्म्स। आपको कोचिंग करनी है तो प्राइस एक्चुअली फाइनेंशियल भी हो सकती है, बट इसमें और सी बहुत सारी प्राइसेस आपको देनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको अपने कंफर्ट, सोशल लाइफ, पॉपुलरिटी, व्हाटएवर। आई मीन यू हैव टू पे द प्राइस फॉर द जॉब दैट यू गोइंग टू गो। आर यू विलिंग टू डू दैट? थर्ड थिंग, आई लाइक यू टू नो द डेस्टिनेशन वेर यू आर गोइंग। एग्जाम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि आप एग्जाम के जो सिलेबस हैं, चाहे वो प्रिलिमिनरी के लेवल का हो, मेंस के लेवल का हो, इंटरव्यू के लेवल का हो, उसके बारे में उस सिलेबस के साथ काफ़ी वक्त गुजारिए। आई वुड लाइक यू टू नो द डेस्टिनेशन वेरी वेल, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स के सहारे, इन्हीं मुद्दों के सहारे आपको काफ़ी टाइम बिताना है। यू टू स्पेंड लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम। सो द क्लियरिटी ऑफ द सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं बताऊँगा कि ये सिलेबस आपके मानस पटल पर छपा होना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू नो द सिलेबस यू वुड एक्चुअली नो कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको कितना ज़्यादा पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। फोर्थ चीज़ जो मैं चाहूँगा आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि नो द डिमांड ऑफ द डेस्टिनेशन। जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर क्या मांगा जाएगा आपसे, अर्थात फोर्थ लेवल पर मैं चाहता हूँ कि आप पिछले सालों के पीटी के आए हुए क्वेश्चंस, मेंस के आए हुए क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस पे काफ़ी समय बिताएं। जब ये समय आप इस पर बिताएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो सिलेबस में कहा गया था तो वास्तव में प्रश्न के रूप में जब सामने आता है तो किस प्रकार से आता है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। अगर ये क्लियरिटी आपकी आ गई है तो आपका माइंड ये भी समझ जाएगा कि सिलेबस के इस भाग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अर्थात जब मुझे पढ़ना है तो मुझे इन चीज़ों पर ज़्यादा पढ़ना है। या आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि मुझे यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन दिखे ही नहीं, तो संभवतः यहाँ से मैं निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ, इनको मैं कम भी ध्यान दे सकता हूँ। पाँचवें लेवल पर आपको फैक्ट्स इकट्ठी करनी होगी, जानकारी लेनी होगी, चाहे वो फैक्ट्स आपके डेटा के फॉर्म में हो, पॉइंट के फॉर्म में हो, कंसेप्ट के फॉर्म में हो,
किसी भी फॉर्म में जो फैक्ट्स हैं आपके पास, यू रिक्वायर टू कलेक्ट देम एंड कलेक्ट देम इन बिग नंबर. उनकी तैयारी करनी होगी, उनका संग्रहण करना होगा, उनको इकट्ठा करना होगा. एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कलेक्टिंग ऑल द फैक्ट्स दैट यू रिक्वायर. अब ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स आप खुद से कर सकते हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहयोग ले सकते हैं. अधिकांश लोग आजकल सपोर्ट लेते हैं बिकॉज समय बहुत कीमती है और भटकाव की संभावना बहुत ज़्यादा है. तो कोचिंग आपको संभवतः एक आउटलाइन सी दे देती है, कुछ सामग्री दे देती है जिसको आप आत्मसात करते हैं और भटकाव से बच जाते हैं. तो पांचवी चीज़ कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन. छठी चीज़ इज अबाउट स्किल. यू हैव टू डेवलप द स्किल टू राइट एन गुड आंसर. आपको स्किल ये भी डेवलप करना होगा कि पीटी के क्वेश्चन में कौन सा आंसर गलत है, इसे नहीं छूना है मुझे. और ये स्किल आई थिंक लाइक एनी अदर स्किल टेक्स अ लॉन्ग टाइम. हाँ, अगर किसी का मेंटरशिप है, किसी का सपोर्ट है, किसी का हेल्प है, आई एम श्योर यू'ड बी एबल टू डू इट लिटिल मोर कंफर्टेबली. करना फिर भी पड़ेगा आपको, लेकिन प्रिपरेशन फॉर द स्किल इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ योर टोटल गेम प्लान. एंड जब आप बिगिन कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि मुझे सिर्फ फैक्ट ही नहीं, मुझे स्किल भी चाहिए. सातवीं चीज, इस एग्जाम की तैयारी में, इस यात्रा में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं. एक्सपेक्ट द चैलेंजेस. कुछ ऐसे होंगे जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, कुछ को आपने सोच लिया होगा कि मुझे यहाँ दिक्कत आ सकती है, मुझे यह समस्या आ सकती है. बट अगर आपने उनको एक्सपेक्ट कर रखा है, उनकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी या कुछ नए आ गई बाधाएं, तो आप चिंता नहीं करेंगे क्योंकि यू मेंटली हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ टू एक्सपेक्ट द चैलेंजेस. सिंपल सी बात है, अगर आप चढ़ाई पर चढ़ेंगे तो सांसें तो फूलेंगी ही, और सांसें फूलने के लिए अगर आप तैयार हैं कि सांसें फूल सकती हैं, फूलेंगी तो परेशान नहीं होंगे आप, और डेफिनेटली आप मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे. Expecting the challenges, expecting the hurdles, expecting the difficulties makes you very comfortable moving towards your goal that you have got. आठवीं चीज मैं चाहता हूँ कि अपने परफॉर्मेंस को, एज यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल, गोल बहुत दूर है, तो अपने परफॉर्मेंस को ऑडिट करते रहिए और यदा कदा सेलिब्रेट भी करते रहिए. बिकॉज ये यात्रा लंबी है और जब तक रिवार्ड नहीं मिलता है, जब तक आपके नाम के आगे वो 3 लेटर लग नहीं जाते हैं, तब तक कुछ नहीं हुआ होता है. तो बीच बीच में आपको रुक करके अपने पीछे के बीते हुए समय को यू हैव टू ऑडिट कि मैं मार्ग सही है, मेरा प्रोसेस सही है, मेरा काम सही है. और अगर सही है तो जस्ट गिव ए पैट ऑन योर बैक कि हाँ आप सही कर रहे हो. यू हैव टू बी योर ओन चीयर लीडर एज आई ऑलवेज से. इसके अलावा जो 9th चीज़ है कि यू शुड बी हैविंग समबडी टू गाइड यू एंड देन यू हैव टू ट्रस्ट द मेंटर दैट यू हैव गॉट, चाहे वो कोचिंग होता है, चाहे कोई व्यक्ति है. बिकॉज अगर आप अपने मेंटर्स कोचिंग मेथोलॉजी को बार बार चेंज करते हैं तो संभवतः आप मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं अपने गोल के आसपास, गोल की तरफ जा नहीं रहे हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव ए मेंटर, you have a coaching, you have somebody's scheme or your own scheme that has been indicated to you by somebody who's experienced and you're following that. Wo bhi bahut zaruri hai. Aur 10th cheez jo main aapko bolna chahunga, jo aap dhyan rakhe ki apne andar zid paida karo. Agar aap beginner ho, taiyar karo apne aap ko ki main apne goal ke prati samarpit hu. I'm committed towards my goal. अगर मेरे शॉर्ट्स मेरे गोल पोस्ट तक नहीं जाते हैं तो मैं उनको शॉर्ट्स को एडजस्ट कर लूँगा, गोल पोस्ट चेंज नहीं करूँगा, जिद करूँगी. एंड स्टे ऑनेस्ट टू दैट कमिटमेंट ऑफ द गोल. अगर आप ये इन 10 के 10 पॉइंट्स को संभवतः इसी क्रम में यूज़ करते हैं, आई एम श्योर एक दिन पूरा हिंदुस्तान आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करेगा. आपकी बिगिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए, इनको इंटरलाइज कीजिए, इनको आत्मसात कीजिए एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एफिकेसी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन विच आई मेड थ्रू माई एक्सपीरियंस. और अगर आपकी स्टार्टिंग सही है, डेफिनेटली यू आर
going to be very happy and success would definitely come your way very soon. My best wishes are, as always, with you.